हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग थी, जो कि 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, उसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है। आज हम लोग उसी के संबंध में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी रिलैक्सेशन दी गई हैं। बहुत सारी हम लोगों को अपेक्षाएं थी कि जो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, इसमें बहुत सारी छूटें हमको मिल सकती हैं, तो उसी से संबंधित आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि आज की मीटिंग में, काउंसिल की मीटिंग में जो प्रेस रिलीज आया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। द 40th जीएसटी काउंसिल मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियर टुडे। द मीटिंग वॉज ऑल्सो अटेंड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स श्री अनुराग ठाकुर। बिसाइड्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट्स यूटीज। द जीएसटी काउंसिल हैज मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑन लॉ एंड प्रोसीजर चेंजेस। क्या क्या चेंज किया है लॉ एंड प्रोसीजर में? पहला है मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलेशन, रिडक्शन इन लेट फीस फॉर पास्ट रिटर्न्स। जो पास्ट रिटर्न्स के संबंध में ये बात आ रही थी कि जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 तक के रिटर्न फाइल करने में कुछ छूट मिलेगी, उसी से संबंधित है। एज अ मेजर्स टू क्लीन अप पेंडेंसी इन रिटर्न फाइलिंग, लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 टू जनवरी 2020 हैज बीन रिड्यूस्ड वेव्ड एज अंडर। क्या क्या? फर्स्ट नंबर है निल लेट फी इफ देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी। अगर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आपके ऊपर लेट फीस बिल्कुल निल रहेगी, कोई भी लेट फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। मैक्सिमम लेट फी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ देयर इज एनी टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो उसके लिए मैक्सिमम लेट फीस कैप्ड कर दी गई है ₹500 पर रिटर्न, यानी ₹500 की लेट फीस लगेगी, लेकिन वो पर रिटर्न लगेगी, हर रिटर्न पे ₹500 मैक्सिमम फीस आपको लगने वाली है। रिड्यूस्ड रेट ऑफ लेट फी वुड अप्लाई फॉर ऑल द GSTR 3B रिटर्न्स फर्निश्ड बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। तो एक इन्होंने ये भी किया कि रेट ऑफ लेट फीस जो है वो GST 3B रिटर्न्स के लिए फर्निश्ड बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30/9/2020 के लिए कर दी। क्या? फर्दर रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर फरवरी मार्च एंड अप्रैल 2020 टैक्स पीरियड्स। फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। ये यहाँ पर एक रिलीफ इन्होंने दी कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, क्या किया उनके लिए? फॉर द सप्लाईज एफेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च एंड अप्रैल 2020 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेट फर्निशिंग of return for the said months beyond specified dates is staggered up to 6th July 2020 is reduced from 18% per annum to 9% per annum till 30th September 2020। यानी यहाँ पर इन्होंने ये किया कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए अगर उन्होंने staggered up to 6th July 2020 यानी 6 जुलाई 2020 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए 30 सितंबर 2020 तक अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको 18% की जगह पे 9% इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो ये दिक्कत हो रही थी कि 6 जुलाई तक रिटर्न फाइल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो अगर आपका 6 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं हो पाता है तो 6 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2020 तक अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 18 की जगह 9% ही ब्याज देना होगा। फॉर दीज मंथ स्मॉल टैक्स पेयर्स विल नॉट बी चार्ज एनी इंटरेस्ट टिल द नोटिफाइड डेट्स
फॉर रिलीफ स्टेगर्ड अप टू 6 जुलाई 2020 एंड देयर आफ्टर 9% विल बी चार्ज टिल 30 सितंबर 2020। तो इसके लिए जो डेट्स आने वाली हैं उसके लिए अलग से डेट्स आएंगी, उन डेट्स तक अगर आप नहीं फाइल कर पाते हैं तो आपको 9% ब्याज देना है। रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड मई जून एंड जुलाई 2020 इन वेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ फर्दर रिलीफ प्रोवाइडेड बाई वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट इफ द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द सप्लाईज अफेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई जून एंड जुलाई 2020 आर फर्निश्ड बाय September 2020 स्टेगर्ड डेज टू बी नोटिफाइड। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उनके लिए डेट्स नोटिफाइड की जाएंगी मई जून और जुलाई के लिए। इसके बाद है वन टाइम एक्सटेंशन इन पीरियड फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर हु कुड नॉट गेट देयर कैंसल्ड GST रजिस्ट्रेशंस रिस्टोर्ड इन टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू 30 सितंबर 2020 इन ऑल केसेज वेयर रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसल्ड टिल 12 जून 2020। तो अगर आप अभी तक अपना रिवोकेशन नहीं करा पाए हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, अगर 12 जनवरी 2020 तक जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं उन सभी के लिए रिवोकेशन कराने के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया है कि आप 30 सितंबर 2020 तक रिवोकेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन क्लास ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडिंग CGST एक्ट 2017 एंड IGST एक्ट 2017 टू बी ब्रॉट इनटू फोर्स फ्रॉम 30 जून 2020। ये 30 जून 2020 से इफेक्टेड होने वाला है और इसके लिए अभी नोटिफिकेशंस आएंगे। ये प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज के माध्यम से मैंने आपको इंटीमेशन दे दी है। बाकी जो इससे संबंधित नोटिफिकेशंस आएंगे तब हम लोग इसके संबंध में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।